न्यूमेरिकल्स में देखो, बेंड इन अ लेवल रोड, तो प्लीज याद रखना, बेंड इन अ लेवल रोड का मतलब रोड लेवल्ड है, बैंकिंग वाला केस नहीं है. रेडियस गिवन है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग. म्यू गिवन है. फॉर्मूला क्या लगाया? ये फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. म्यू क्या पुट किया? 0.8. आर क्या पुट किया? 100. ठीक है, और जी क्या पुट किया? 10. तो क्या सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट आंसर 28 नहीं आया? चलो अप्रोक्सीमेट करना है, डन. कार जिसका मास, तो जो आया वो ठीक है, कार जिसका मास क्या है 1500 केजी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 20 मीटर लेवल रोड. फिर से लेवल रोड है, फाइंड म्यू. अब सेम केस है, लेवल रोड में फॉर्मूला फिर से क्या लगेगा? वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या? म्यू आर जी. इस बार वी की वैल्यू क्या गिवन है? 12.5. म्यू निकालना है, रेडियस क्या गिवन है? 20, और जी पता है, तो म्यू निकाल लेना. मास चाहिए ही नहीं, मास चाहिए कंफ्यूज करने के लिए. फोर्स एंड फ्रिक्शन में मास चाहिए कहां होते हैं? फोर्सेस ही चाहिए सारी. नेक्स्ट है, एंगल थ्रू विच अ साइक्लिस्ट बेंड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वर्टिकल के साथ कितना बेंड करेगा? थीटा निकालो. और जिसका सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस गिवन है, अब टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी में आपको क्या चाहिए? रेडियस. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. 34.3 सॉल्व करके पहले क्या आएगा? रेडियस. फिर आपको v भी चाहिए. वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस में सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है? 34.3, और कितने टाइम में कवर हो रहा है? रूट 22. तो यहां पर v स्क्वायर पुट करके, r पुट करके, g पुट करके क्या आएगा? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1 आएगी, तो थीटा 45 डिग्री. मेथड समझ में आ रहा है क्या लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? हाँ, 1.004 भी 1 के आसपास ही होता, तो कैलकुलेशन नहीं आई करने. कैलकुलेशन करो. टेन थीटा कितना आ रहा है? 300 मीटर बैंक एट एंगल ऑफ 15 डिग्री. चलो थीटा भी दे दिया, अजीब सा एंगल है पर कोई बात नहीं. म्यू गिवन है. व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन द टायर? वो कहता जी मेरा 1 रुपया ना खर्चो टायर के अंदर चेंज करने में, मैंने टायर किसाने. तो कहता जी मेरा म्यू 0 कर दो. ठीक है, तो फिर क्या करें? कार को घुमाना तो है, तो क्या करें? उसकी बैंकिंग कर दो. अब क्या कर सकते हैं? वो टायर चेंज नहीं करना चाहता, तो म्यू कहता नहीं चाहिए, वियर एंड टियर नहीं चाहिए, सिर्फ बैंकिंग से चलूंगा. तो म्यू 0 करके टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी. तो इस क्वेश्चन में वी निकालना है, थीटा पुट करेंगे, आर और जी आंसर आएगा नहीं. 15 डिग्री पे आंसर नहीं आते, हमें पता, हम कैलकुलेशन करना मुश्किल होती है, बट मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लगेगा फॉर्मूला. तो अगर ये 45 डिग्री होता तो आंसर आ जाता, पर मेथड क्लियर है. म्यू 0 कर दिया क्योंकि वियर एंड टियर लेने को नहीं कहा. लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, अवॉइड स्लिपिंग, यानी कि फ्रिक्शन है तभी स्लिपिंग की बात हो रही है. तो ऐसे केस में फॉर्मूला वी मैक्स का क्या लगेगा? ये लगेगा. तो आर जी सब कुछ गिवन है आपको, बस ये क्वेश्चन ये बताने के लिए नोट किया गया है कि वियर एंड टियर बचाने के लिए म्यू नहीं लेना, अदरवाइज तो फिर म्यू लेना ही है. तो दो फॉर्मूला इसमें लगेंगे, राइट?